ताजा खबर, अगर आपने अभी तक ये चीज नहीं देखी है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? अगर मैं मेन एंटागोनिस्ट की बात करूं, वसंत गावड़े एक ऐसा लौंडा जो मजबूरी से जूझ रहा है, जिससे वो प्यार करता है वो एक प्रोस्टिट्यूटर है और बाप उससे गाली बकता है। पर वो कहते हैं ना, ये जालिम किस्मत हर किसी को एक मौका देती है। और ये पूरी सीरीज अपने एक डायलॉग को जस्टिफाई करती है कि जादू और चमत्कार में क्या फर्क है, कि जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से। मतलब कि वत्स को एक वरदान मिलता है और वरदान ये होता है कि कल जो चीज होने वाली है, जो कल हादसा होने वाला है, वो उसे आज मालूम पड़ जाएगा। अगर कोई भी इंसान को ये मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया में कल क्या होने वाला है, किसके घर चोरी होने वाली है, कौन सा भाई किसकी बहन के साथ सोने वाला है, कौन मरेगा कौन बचेगा, ये सारी गतिविधि उसे आज मालूम पड़ जाए तो क्या होगा, ये चीजें हमें सीरीज में देखने मिलती है। पर वो कहते हैं ना, ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वरदान की मदद से उसे वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी कल्पना उसने सपनों में भी नहीं की थी। अच्छा, इसीलिए वो कहते हैं ना, कामयाबी और सत्ता के साथ एक चीज आती है, घमंड, और उसके कारण ये वरदान एक श्राप बन जाता है। ये सीरीज में भुवन बाम की एक्टिंग अर्जुन कपूर के पूरे करियर से ज्यादा अच्छी है। ये सीरीज में तुम्हें सब कुछ देखने मिलेगा, प्यार, नफरत, नसीब, किस्मत, मजबूरी, घमंड और आखिरी में वरदान। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता।